हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। तो सो फ्रेंड, आज हम एक पौधे की इन्फॉर्मेशन देंगे। आप देख सकते हैं ये पौधा, इसका पौधे का नाम है लोरोपेंटलन। असल में कई प्रदेशों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसे गमले में शिफ्ट करेंगे। ये पौधा फ्रेंड मैं नर्सरी से लाया हूँ। बारिश की इसे थोड़ी असर हो चुकी है, जिससे कीटे इसमें पत्तियाँ खा गई है। तो फ्रेंड, इसकी केयर करने के बाद ये मुझे विश्वास है कि अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पौधे को साइड में हम कर लेते हैं और ऐसा एक गमला लेगा और इसमें हम ड्रेनेज वॉल कर देंगे। एक मैंने ये तीन किया है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड हम इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हम जो हर पौधे में करते हैं इस तरह से ही ड्रेनेज अच्छी तरह रहे, जिससे पानी आराम से इससे चला जाए, ऐसी जगह बना सके। इसके लिए ऐसे छोटे छोटे मैं कंकर लाया हूँ। यदि आपके पास ऐसे कंकर ना मिले तो ठिकरे से या ऐसे कोई ड्रेनेज जो छोटे पत्थर हो वो भी चल जाते हैं। तो मैं तो इसका यूज़ करता हूँ, तो मैं अभी यही डालूँगा फ्रेंड्स। तो ये नीचे की लेयर है वो पूरी ड्रेनेज वाली हो जाएगी, जिससे चिकनी मिट्टी जमा होने के बाद हमारा पानी इसमें फंसा ना रहे, आराम से चला जाए। तो फ्रेंड्स, हम इसकी नीचे की लेयर है वो छोटे छोटे ये कंकर से हमने भर ली है। उसके बाद हम मिट्टी का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन सॉइल्ड ही यूज़ करें। हमारे यहाँ जो ये काली मिट्टी मिलती है तो मैं उसका ही यूज़ करता हूँ। उसमें साथ में मिक्स करता हूँ वेल ड्रेन सॉइल्ड। ये पूरी कंपोस्ट जैसी है मिट्टी, आप देख सकते हैं। इसकी काली मिट्टी के साथ एक लेयर बना ले वेल्ड्रन सॉइल्ड मिट्टी। देख लीजिए, इस तरह की जो मिट्टी है वो यहाँ आसानी से मिल जाती है और वेल्ड्रन सॉइल्ड ही है। पानी इसमें ठहरता नहीं है, अच्छी तरह से ड्रेनेज हो जाता है। उसकी भी लेयर बना लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है काव डंक। वो काव डंक इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। लंबे समय तक इसको खाद की ज़रूरत ना रहे और कोई फर्टिलाइज़र भी वैसे ही इस पौधे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जो ये पॉलीथीन बैग है उसे निकाल ले। तो फ्रेंड्स, इसमें रूट डेवलप हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा रूट इसकी टूटे ना, इसका ख्याल रखें आप। और हमने इसमें साथ में थोड़ा बहुत जो हम रेगुलर प्लांट में डालते हैं वो चूना भी एक लेयर बना लेंगे। इसकी रूट है वो जल्द से जल्द डेवलप हो जाए। वैसे चूना है वो जड़ें मजबूत करने का काम करता है फ्रेंड। और इसमें साथ में थोड़ी बहुत काव डंक। जो काव डंक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र में से एक है। वैसे मार्केट में काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, NPK वगैरह, लेकिन ये पौधे को ज़्यादातर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। आप देखते होंगे कि ये पौधा है वो कई जगह पर पाया जाएगा। तो पहले मैं इसको गमले में शिफ्ट कर लेता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन सभी आपको एंड में दे दूँगा। तब तक वीडियो देखते रहे, इसकी केयर किस तरह से होती है सब कुछ डिटेल में ये प्लांट शिफ्ट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, हमने ये मिट्टी से गमला भर दिया है। थोड़ा बहुत पूरा नहीं भरा है, थोड़ा कम रखा है जगह रखे। पूरा गमला ना भरे कभी भी, कोई भी प्लांट हो। तो इसके बाद हम इसे गार्डन में फ्रेंड शिफ्ट करेंगे। तो सो फ्रेंड, हमने ये फाइनली
ये पौधा है वो अपने गार्डन में शिफ्ट कर दिया है। और इसकी थोड़ी केयर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप जिस भी जगह पर रखें, हमारा तो ये टेरेस का गार्डन है, तो हम इसकी सेफ्टी के लिए नीचे डी से रख लेते हैं, ताकि पानी वगैरह हो यहाँ से निकले तो कोई ज़्यादा हमारी छत पर कोई इजा या नुकसानी ना हो। इसमें अब हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे फ्रेंड्स, या स्प्रे की बोतल से आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार है तो ये अच्छी तरह से वाटरिंग हो जाए तो पूरी मिट्टी है वो गीली हो सकती है, नहीं तो आप पत्तों पर स्प्रे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। खास करके गर्मियों के मौसम में इस तरह का स्प्रे बहुत ही पसंद है फ्रेंड, तो ऐसा करते रहे। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में इसकी डिटेल दे देता हूँ, तो इसका नाम है फ्रेंड लोरा पेंटलान, इसे लालसा के नाम से भी जाना जाता है और लाल बादशाह भी कहते हैं, कई जगह पर इसे लुथरा भी कहते हैं और कई जगह पर इसे ओल्ड टनन थेरा भी बोलते हैं। और ये पौधा मैं नर्सरी से लाया था, वैसे ये कटिंग से भी ग्रो होने वाला पौधा है, अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाता है कटिंग से। और इसकी जो पत्तों की खूबसूरती इस तरह ही बनी रहती है फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, इजी टू ग्रो प्लांट है ये। और ये तकरीबन दो प्रकार के पत्ते में मिलता है, एक ग्रीन में भी मिलता है और ये रेड पर्पल भी मिल जाता है फ्रेंड। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें जो मैच्योर होने के बाद ये सीड भी बना लेता है, ख़ास करके आप हाईवे पर इसे देख सकते होगे फ्रेंड्स, आपने शायद देखा होगा कि हाईवे पर ज़्यादातर इसके ही पौधे लगे होते हैं। और आप इसे गमलों में या ग्राउंड में भी तो ग्रो कर ही सकते हैं जैसा मैंने बताया उस तरह। और उसको फर्टिलाइज़र की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादातर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं रहती है, बस ऐसे ही हल्की फुल्की कभी कभी दिया करे तो ग्रो अच्छी बनी रहेगी। और इसे मिट्टी की बात की जाए फ्रेंड, तो इसे वेल्ड्रन सॉइल्ड अच्छी है, जिससे हम पानी आराम से इसके गमलों से नीचे जा सके, पानी ज़्यादातर बना रहे ऐसी मिट्टी ना ले। और इसकी हाइट की बात की जाए फ्रेंड, तो तकरीबन ये 3 या 4 फुट के करीब लंबाई में होता है, लेंथ इसकी इतनी ज़्यादातर बनी रहती है ऐसा देखा जाता है। और इसको प्रूनिंग भी करते रहे तो ये और भी चलता रहने वाला सदाबहार पौधा है ये। और गमले की वजह इसे ग्राउंड में शिफ्ट करें तो ज़्यादा इसकी ग्रोथ बनी रहती है फ्रेंड। और उसके बाद मौसम की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये हर एक मौसम में वैसे तो ग्रो होने वाला पौधा है, 12 मंथ में कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं, ख़ास करके बारिश में मौसम में ज़्यादातर ये ग्रो होने वाला पत्ता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसकी खूबसूरती इस तरह बढ़िया है, तो मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही पसंदगी का मेरा ये पौधा है। उसके बाद फ्रेंड हम इसके कोई जंतुनाशक की बात की जाए, तो इसमें नीम ऑयल से इसका स्प्रे कर सकते हैं, जंतुनाशक का भी कोई भी स्प्रे कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको पानी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसको गर्मी में यदि 2 बार डाला जाए पानी तो इसकी ग्रो बनी रहती है इस तरह ही। और ज़रूरत के मुताबिक बाकी सीजन में भी इसे थोड़ी नमी बनी रहे इस तरह से वाटरिंग आप कर सकते हैं फ्रेंड, उसका आप ख्याल रखें कि किस तरह से वाटरिंग इसके ज़रूरत के मुताबिक कर दी जाए। और इसको धूप की भी बात की जाए, तो फ्रेंड ये गर्मी में ही चलने वाला पौधा है, अच्छी तरह गर्मी में ये सर्वाइव कर जाता है, फिर भी आप इसको ज़रूरत के मुताबिक ही धूप में रखें, ऐसा लगे तो शेडी एरिया में इसे शिफ्ट कर दे ताकि ये अच्छी तरह से चल पाए, चेंज करते रहे इसे। और फ्रेंड इसकी खास बात की जाए, तो ये किसी भी जगह जहाँ बॉर्डर वाला एरिया हो उस पर ज़्यादातर उपयोग आने वाला ये पौधा है,
जैसे कि लोन वगैरह में गुच्छे की तरह हो जाता है ये पौधा। और यदि इसको कटिंग से लगाया जाए फ्रेंड्स, ये देखिए ये कटिंग है, तो शायद आप यहाँ से काट दे थोड़ी बड़ी होने के बाद ये जड़ को, तो उसमें आप कटिंग का जो नोट एरिया है ना, वो इसे यहाँ से पत्ते निकाल ले, तो वहाँ से आप दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे तो अच्छी तरह ये सर्वाइव हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसकी मेंटेनेंस की बात की जाए तो फ्रेंड ये एकदम नो, यानी कि लो मेंटेनेंस प्लान है, और आपका गार्डन शोभा से ये पूरे पूरा भर देगा। वैसे ये आउटडोर प्लांट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने शॉर्ट में सब डिटेल इसकी दे दी है लोरा पेंटलन की, तो आशा रखता हूँ फ्रेंड कि आपको ये ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो फ्रेंड यदि आपको ये मेरा वीडियो लोरा पेंटलन के बारे में पसंद आया हो तो अवश्य ही इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलिए। और हाँ फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम कुछ नए प्लांट के बारे में फिर से मिलेंगे, तब तक ले लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.